दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ ये पिछले डेढ़ साल पहले अंडरपास दोहरे का काम चालू हुआ था जब काम चालू हुआ तभी हमने सभी को रेलवे और डीएफसीसी प्रशासन को अवगत कराया था हमने कि यहाँ पर जो है जल स्तर ऊँचा है और यहाँ पर हमको परेशानी आएगी लेकिन सबने हमारी बात को अनसुना कर दिया और उसी का परिणाम है लगातार जो पिछला मानसून था उसमें भी हमको बहुत तकलीफ हुई और इस बार तो मानसून चालू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही जो एक कल एक बारिश आई थी उसी बारिश के अंदर ये अंडरपास में 5-5 फीट पानी भर गया है और इसके अलावा दोराई का जो दूसरा मुख्य रास्ता है कंचननगर होते हुए डेयरी के पास जो रास्ता निकलता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया है 4-5 फीट पानी भर गया है और वो नगर निगम का क्षेत्र है जहाँ पर कि अजमेर डेयरी ने जो काम कराया निर्माण कार्य उसके बाद से ही वहाँ पर दिक्कतें चालू हो गई है दोराई वासियों के लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का मामला अभी बन गया है और जो कि आगे वाले आने वाले मानसून में इस हमको दिख रही है कि कितनी परेशानी हमको होने वाली है क्योंकि अभी एक बारिश में ये हालात है तो लगातार जब मानसून आएगा तब हमारा क्या होगा लगातार आप देख सकते हैं इस अंडरपास में जो है 5-5 फीट पानी भरा हुआ है और अगर आप वहाँ जाके देखेंगे वहाँ पर भी 5 फीट पानी भरा हुआ है अभी दोहरे वासियों के लिए समस्या आ रही है अगर कोई इमरजेंसी मामला हो जाए या किसी आम जन को निकलना हो तो वो कहाँ से निकले उसको निकलने के लिए तभी होकर 10 किलोमीटर का राउंड काट कर ही वो दोहरे से बाहर जा सकता है या आ सकता है अभी क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें अभी नुकसान तो अभी कई सुबह से ही एक बाइक जो है अंदर गिर गई थी वो अंदर ही गिरी हुई अभी तक उसको निकाल नहीं पाए क्योंकि अंदर पानी बहुत गहरा है पानी सुबह पिकअप आई थी वो खराब हो गई टेम्पो खराब हो गए 2-4 लोग चोटिल भी हो गए तो लगातार जो है समस्या बनी रही है लोगों में खतरा बढ़ रहा है लोगों में अब हम क्या करें इसके लिए हमने रेल मंत्री को ट्वीट भी करा सुबह और सुबह हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन भी करा और अभी भी हम लगातार जो है जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको आगाह कर रहे हैं कि इस अंडरपास से निकलना खतरे से खाली नहीं है चंद्रमान गुजर दोराई सर ये जब अंडरपास बना था तब भी हमने कहा था तब हमारे को इंडियन रेलवे ने और DFCC ने दोनों ने कहा था इसमें ना तो अभी कभी पानी अंदर जाएगा इस पर शेड लगाएंगे लाइट भी लगाएंगे लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे को सिर्फ ये बोलते रहे आप काम एक बार पूरा हो जाने दो फिर ना तो इसमें अंदर पानी आएगा ना कोई इसमें रास्ता रुकेगा और आपका ये शेड वेट सब बना के देंगे आज इन्होंने आधा अधूरा बिल्कुल ख़राब काम करके और इस काम को छोड़ के चले गए आज 1.5 साल हो गया 1.5 साल से अंडरपास खुला भी नहीं है और एक हल्की सी बारिश हुई है कल करीब 0.25 इंची कुल बारिश हुई है जिसमें अंडरपास में 4-4.5 फुट पानी आ गया और सुबह से कम 7-8 आदमी तो गिर चुके हैं एक मोटरसाइकिल भी इसमें अंदर गिर गई है 3-4 आदमियों की मोटरसाइकिलें ख़राब हो गई है एक पिकअप भी इसमें ख़राब हो गई थी और सुबह से आज यहाँ एक्चुअल में दोराई गांव में चूने वाटे के काम करने वाले सैकड़ों मजदूर रहते हैं और वो सैकड़ों मजदूर आज इस दोनों रास्ते के पानी भरने की वजह से आज काम पर नहीं जा पाए और ये जिस स्पीड से ये पानी खाली कर रहे हैं इस स्पीड से 3 दिन में भी ये जगह खाली नहीं होगी और वो 3 दिन तक उनको सबको अपना रोजगार छोड़ के छुट्टी करनी पड़ेगी मेरा नाम नीरज सोशनीवाल है